हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सारे एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल स्कीम्स 2014 to 2024। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की सारी प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे फ्रॉम 2014 to 2024, राइट फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उस स्कीम के, उनको इस वीडियो में कवर किया हुआ है, राइट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। विच स्कीम हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड इन 2024 टू प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू 1 करोड़ हाउसेस। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि 1 करोड़ घरों को यहाँ पे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का दावा किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये किस स्कीम के तहत ये बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये स्कीम जो दी गई है ये है प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। याद रखिएगा, यूनिट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने, 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में बात करें, ये स्कीम को फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके साथ इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन 2024 विद द एम ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ऑन रूफटॉप ऑफ 1 करोड़ हाउसेस। अगेन फ्रेंड्स, ये स्कीम जिसको पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें क्या बात किया जा रहा है, जिसमें बात किया जा रहा है 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल को इंस्टॉल करने की बात की जा रही है ना। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्कीम स्टार्ट कब हुआ है, तो 22 जनवरी 2024 को इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाई NHAI इन 2024 टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम एंड फैसिलिटेट सीमलेस मूवमेंट एट टोल प्लाजाज। ठीक है, तो NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने तथा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए 2024 में किस पहल का शुभारंभ किया। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जिस पहल को शुभारंभ किया है, इसका नाम है वन व्हीकल वन फास्ट टैग, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं एक वाहन एक फास्ट टैग। ठीक है, ये स्कीम को स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, NHAI। NHAI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब स्टार्ट हुआ है, जनवरी में इसको स्टार्ट किया गया। इसका, इस मिशन का, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए, यूजर बिहेवियर ऑफ यूजिंग अ सिंगल फास्ट टैग फॉर मल्टीपल व्हीकल और लिंकिंग मल्टीपल फास्ट टैग फॉर अ पर्टिकुलर व्हीकल इज टू बी डिस्करेज्ड। तो यहाँ पे जब लोग जो है एक ही फास्ट टैग से डिफरेंट व्हीकल्स में लगाते हैं, ये सबको बढ़ावा ना देना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, विच कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2024 विद द एम ऑफ डेवलपिंग द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ साइंसेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे देखिए, कौन से स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें डेवलप किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा अर्थ साइंसेज को, है ना। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम का नाम है पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, पृथ्वी इस स्कीम का नाम है। इसको किसने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ेंगे, टिल व्हेन डिड पीएम मोदी अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या, आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सटेंशन किया गया है, कब तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, 2028 तक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में। फ्रेंड्स, ये स्कीम जो है ना, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए दिसंबर 2022 तक, बट इसको एक्सटेंड किया गया था दिसंबर 2023 तक। पहले इसको 2022 में एंड होना था, बट इसको 2023 तक एक्सटेंड किया गया। अब इसको फिर से 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि अब ये 2028 तक ये स्कीम चलने वाला है। ठीक है, ये स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में 5 kg ऑफ फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है पुअर को। ओके, और ये इनिशिएट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन इन 2023। तो फ्रेंड्स, 2023 में
यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन, जिसको हम हिंदी में कारीगर और शिल्पकार कहते हैं ना, इनके लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया था भाई पीएम मोदी। इसका आपको नाम बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है फ्रेंड्स। इस स्कीम का जो नाम है ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसको इनॉग्रेट या लॉन्च जो है ना पीएम मोदी ने किया था। इसको स्टार्ट किया गया था 17 सितंबर 2023 को, कब, विश्वकर्मा जयंती जिस दिन मनाया जाता है ना उस दिन से लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना प्रोवाइड करती है 8% सब्सिडी इस स्कीम के अंडर। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई पीएम नरेंद्र मोदी इन 2023 टू फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशन ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कोस्ट लाइन में मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स इस स्कीम का जो नाम था ये था मिस्टी स्कीम। इसका फुल फॉर्म बात करते हैं, इसका है क्या फुल फॉर्म, देखिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और इसको स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन ये कब मनाया जाता है, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून 2023 को जो है ये स्कीम को स्टार्ट किया गया। फ्रेंड्स आपको स्कीम्स में ना क्या क्या याद रखना है, आपको पहले याद रखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ इसको स्टार्ट कब किया गया, डेट और ईयर। ठीक है, खासकर जो ईयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कीम्स के। ओके, इसके साथ आपको याद रखना है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया है। ठीक है, इनॉग्रेशन भी पूछा जाता है। और इसके साथ अगर आपको वो स्कीम का कोई फुल फॉर्म हो, जैसे आप देख रहे हैं मिस्टी इसका फुल फॉर्म है ना, तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है, तो आपको उन फुल फॉर्म्स को भी याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्कीम्स वाले टॉपिक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई पीएम नरेंद्र मोदी फॉर कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट। ठीक है, रामसर स्थलों की संरक्षण के लिए कौन से स्कीम को लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स इस स्कीम का नाम है अमृत धरोहर योजना। इसके बारे में बात करेंगे। इसको स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स कब, देख लीजिए, 5 जून 2023 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ही स्टार्ट किया गया बाय पीएम नरेंद्र मोदी। और इसका प्लान क्या है, ये ड्यूरेशन क्या है इस प्लान का, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इसको चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कैटल डंग मैनेजमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कैटल डंग मैनेजमेंट के लिए जो स्कीम स्टार्ट किया गया इसका नाम है गोबर धन योजना। तो अगेन यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। गोबर धन इसका फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। इसको स्टार्ट किया गया फेब्रुवरी 2018 में, राइट, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। 1 फेब्रुवरी 2018 को जब बजट पेश किया गया उस समय गोबर धन योजना के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 टू मेक 2 करोड़ वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड। राइट, तो देखिए 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स इस योजना का नाम था लखपति दीदी योजना। इसके बारे में देखिए, इसका भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये जो स्कीम था ये था अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इसको स्टार्ट किया गया था फ्रॉम रेड फोर्ट न्यू दिल्ली ऑन 15 अगस्त 2023, कब, इंडिपेंडेंस डे के दिन इस स्कीम को स्टार्ट किया गया। राइट, अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन 2023 टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो फ्रेंड्स केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करने के लिए और कोई अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी थी और ये स्कीम का जो नाम है ये है फ्रेंड्स पीएम प्रणाम योजना। ओके, इसका भी अगेन फुल फॉर्म है, तो प्रणाम का फुल फॉर्म देख लीजिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नूरिशमेंट एंड अमेलरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इसका फुल फॉर्म है। राइट, और इसको 28 जून 2023 को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अनाउंस्ड टू स्टार्ट इन द ईयर 2023 टू ब्रेक मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स। तो व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कौन सी स्कीम को स्टार्ट की। तो फ्रेंड्स इस स्कीम का जो नाम था ये है पीएम किसान भाई योजना। बात करें इस स्कीम के बारे में तो देखिए फ्रेंड्स पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एज सून एज द स्कीम इज लॉन्च्ड फार्मर कैन स्टोर दियर क्रॉप फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो जब यहाँ पे फसलों की कटाई हो जाती है ना फ्रेंड्स, उसके बाद जो है फार्मर इसको 3 महीने तक
स्टोर कर सकते हैं। ये इस जो स्कीम है इसका मेन एम था। और यहाँ पे ये जो स्कीम है इसको 7 states में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट किया गया था। कौन कौन से स्टेट थे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विद चलान इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईयर 2023 टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। तो टैक्स कंप्लायंस के लिए यहाँ पे कौन से स्कीम को स्टार्ट किया गया? फ्रेंड्स, इस स्कीम का नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। बात करें इसके बारे में तो इसका इनॉग्रेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया था 1 September 2023 को। और यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू मोटिवेट मोर एंड मोर पीपल टू टेक जीएसटी बिल। ठीक है, जीएसटी बिल लेने के लिए लोगों को प्रमोट करना इसका मेन एम था। दिस स्कीम विल ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव सो दैट द गवर्नमेंट कैन क्रैक डाउन ऑन टैक्स इवेजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक समुदायों जो कि बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने स्टार्ट किया नया सवेरा स्कीम को। ठीक है, बात करें इस स्कीम के बारे में तो देखिए इसका इनॉग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने किया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एम्पावर करें स्टूडेंट्स को जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि सिख हो गए, जैन्स, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीज, और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाना ताकि उनका जो इम्प्रूवमेंट पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में वो बढ़े। राइट, अगला क्वेश्चन। विच स्कीम हैज सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू लॉन्च इन 7 states इन द ईयर 2023 टू इंक्रीज बिजनेस एंड डेवलप मेगा पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, बिजनेस और मेगा पार्क्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया पीएम मित्र स्कीम को। बात करें इस स्कीम के बारे में, इसका फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। इसको लॉन्च किया गया 6 October 2021 को बाई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंडर में क्या हुआ, 7 integrated टेक्सटाइल पार्क्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। कहाँ कहाँ पे? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। राइट, चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो क्वेश्चन अगला रहेगा, विच स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। ठीक है, तो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। और इसको स्टार्ट कब किया गया, June 3, 2022 को। नेक्स्ट रहेगा, विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने शुरू किया है पीएम उषा अभियान। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, इनॉग्रेशन किसने किया, रूसा। कौन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। और इसको फ्रेंड्स, इस स्कीम को रीनेम किया गया है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट रहेगा आपका, विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 टू प्रमोट इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिक बस सर्विस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया पीएम ई बस सर्विस। ठीक है, पीएम ई बस सेवा हिंदी में आप कह सकते हैं। तो इसको इनॉग्रेट किया गया 16 August 2023 को। और इसका देखिए, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस स्कीम विल बी रोल आउट टू इंक्रीज अर्बन ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी एंड प्रमोट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम टू एक्सपैंड फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम को लॉन्च किया है ताकि एक्सपेंड कर सके ये अपने फूड ग्रेन स्टोरेज को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है बाय इंडिया। बात करें इस स्कीम के बारे में, देखिए, द 1 trillion स्कीम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसको इनॉग्रेट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन।
ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस लॉसेज ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बाई कंस्ट्रक्टिंग वेयर हाउसेज विद द कैपेसिटी ऑफ 2000 टन्स इन एवरी ब्लॉक अक्रॉस कंट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फूड ग्रेन का लॉस होता है ना उसको कम करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसका जो कैपेसिटी होगा जो अभी बात कर रहे हैं ना स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 2000 टन्स की कैपेसिटी के साथ इसे बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच प्लेटफॉर्म हैज़ बिन लॉन्च बाई PM नरेंद्र मोदी फॉर द यूथ ऑफ इंडिया ऑन नेशनल यूनिटी डे ऑन October 31, 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस स्कीम का नाम है मेरा युवा भारत, माई भारत भी आप कह सकते हैं, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल यूनिटी डे के दिन लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स नेशनल यूनिटी डे कब होता है, 31 अक्टूबर 2023 को न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को इनॉग्रेट किया। माई इंडिया का देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी विच विल गिव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू यूथ टू शोकेस दियर टैलेंट एंड फुलफिल दियर ड्रीम सो दैट दे कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया। तो फ्रेंड्स जो भी टैलेंट होता है ना यूथ का, उसके लिए उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उस ये मेन एम है माई यंग इंडिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिशन वात्सल्य योजना। बात करें इसके बारे में तो फ्रेंड्स देखिए 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने थ्री स्कीम्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, और फिर 2010 में क्या किया गया, इन तीनों स्कीम को एक सिंगल स्कीम में मर्ज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। और फ्रेंड्स फिर 2017 में क्या हुआ, इसे चेंज कर दिया गया, इसका नाम जो है चेंज करके चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम किया गया, और फिर अगेन इसका नाम जो है ना 2021 में मिशन वात्सल्य कर दिया गया, राइट। तो आपको आई होप क्लियर है, 2009 में इसको लॉन्च किया गया तीन स्कीम्स, 2010 में क्या किया गया, इन तीनों स्कीम्स को जो है ना, जो तीन स्कीम्स थे इन तीनों को मर्ज करके एक स्कीम बनाया गया, फिर 2017 में इसका नाम चेंज किया गया, फिर 2021-22 में फिर से इसका नाम चेंज करके वात्सल्य कर दिया गया। आई होप आपको अब ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखिए विच प्रोग्राम हैज़ बिन स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस अलॉन्ग चाइना बॉर्डर। तो चाइना बॉर्डर में जो भी जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बात करें इसके बारे में तो फ्रेंड्स यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, कहाँ से, किबीथू अरुणाचल प्रदेश से, कब, 15 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसको स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कब, 1 अप्रैल 2023 से ये स्टार्ट हुआ है। और फ्रेंड्स इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इंडियन वुमेन है, गर्ल है, ये अपना अकाउंट को ओपन कर सकती है पोस्ट ऑफिस में, जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% पर एनम का, जिसमें मिनिमम जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं ₹1,000 है और मैक्सिमम 2 लाख तक यहाँ पे डिपॉजिट किया जा सकता है। इसके ऊपर आपको 7.5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पर एनम। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर टू डेवलप एंड अपग्रेड स्कूल्स। तो स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए PM श्री स्कूल स्कीम को लॉन्च किया गया, फुल फॉर्म देख लीजिए PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, और इसको फ्रेंड्स टीचर्स डे यानी कि 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन 2022 फॉर क्लीनिंग सीवर एंड सेप्टिक टैंक। तो सीवर और सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट किया था नमस्ते योजना को। नमस्ते का फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था, कब, August 2022 में। आगे बढ़ेंगे, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2015 विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग वेलफेयर सर्विस फॉर गर्ल्स, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को। इसको फ्रेंड्स स्टार्ट किया था PM नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को।
अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन अप्रैल 2015 टू प्रोवाइड ईजी लोन्स टू स्मॉल एंटरप्राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन फ्रेंड्स देखा गया है। ठीक है, तो देखिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस को ईजी लोन प्रोवाइड करने के लिए 2015 में, अप्रैल 2015 में स्टार्ट किया गया था पीएम मुद्रा स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इजी लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, इसका फुल फॉर्म, मुद्रा का यहाँ पे फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। फ्रेंड्स, एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपसे इसमें आप बताएं कि आर का फुल फॉर्म क्या, इस तरीके से क्वेश्चन देखे जाते हैं। और इसको अप्रैल 8, 2015 को लॉन्च किया गया। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ना मुद्रा योजना के अंदर तीन कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किया जाता है। तीन कैटेगरी क्या है? शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में क्या है, अप टू 50,000 लोन ही प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आता है किशोर, जहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन मार्च 2020 टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राशन टू एवरी सिटीजन ड्यू टू कोरोना वायरस। तो कोविड के टाइम पे ये इंश्योर करना कि सबके पास राशन प्रोवाइड किया गया है ना, इस स्कीम का फ्रेंड्स नाम था पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यहाँ पे क्या किया गया फ्रेंड्स, इस स्कीम के तहत जो है 5 kg ऑफ फ्री ग्रेन प्रोवाइड किया गया पुअर को पर मंथ। और देखिए, इन नवंबर 2023 द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ दिस स्कीम टिल दिसंबर 2028। तो इस स्कीम को जो है 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट रहेगा, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2018 टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ फैसिलिटी टू इकोनॉमिकली वीकर पीपल इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो स्कीम है ना, इसके लिए स्कीम जो प्रोवाइड किया गया ये है आयुष्मान भारत स्कीम। इसको स्टार्ट किया गया बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेप्टेम्बर 23, 2018 को। और फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत स्कीम जो है ना, इसको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों उसी के नाम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन जून 2015 टू कन्वर्ट 100 cities ऑफ इंडिया इन टू स्मार्ट सिटीज। तो इंडिया के 100 cities को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन। इसको भी इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कब? 25 जून 2015 को। और ये मिशन जो है ये आता है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आगे बढ़ेंगे, विच प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन ईयर 2014 टू एलिमिनेट पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? तो इन्होंने शुरू किया है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, नमामि गंगा प्रोजेक्ट। आगे बढ़ेंगे, विच लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन फेब्रवरी 2022। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो स्कीम स्टार्ट किया गया, इसका नाम है स्माइल स्कीम। स्माइल का फुल फॉर्म देख लीजिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन 2022 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए यहाँ पे कौन से स्कीम को लॉन्च किया गया? इस स्कीम का फ्रेंड्स यहाँ पे नाम है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। इसके बारे में देख लीजिए, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अग्निपथ स्कीम ऑन 14 जून 2022। ठीक है, 14 जून 2022 इसको ये स्कीम लॉन्च किया गया। यहाँ पे होगा क्या, देखिए, 17.5 years to 23 years विल बी एबल टू अप्लाई फॉर अग्निपथ। दो सेलेक्टेड फॉर अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम विल बी नेम्ड अग्निवीर। तो ये एज लिमिट है जहाँ पे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, 17.5 से लेकर के 23 years के लोग, राइट। और फ्रेंड्स, जो इस रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट होते हैं उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन अगस्त 2014 विद द एम ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हर एक जो इंडियन है ना, उसके पास एक बैंक अकाउंट हो, इसके लिए जो स्कीम स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स, इस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014 को और लॉन्च किया गया था बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 28 अगस्त 2014 को। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फ्रेंड्स, इसका स्लोगन, ये स्कीम का जो स्लोगन दिया गया था, ये था मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट रहेगा, विच कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2014 टू एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओपन डिफिकेशन इन इंडिया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए कौन से स्कीम को स्टार्ट किया गया? यहाँ पे स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स स्वच्छ भारत अभियान। अगेन इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कब? अक्टूबर 2, 2014 को, जब मनाया गया था 150th birth anniversary ऑफ महात्मा गांधी। और इस कैंपेन का जो स्लोगन था ना, ये था वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीनिनेस, हिंदी में एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसका स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था। नेक्स्ट रहेगा विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2015। फ्रेंड्स आपको ये जो ईयर और आप मंथ देख रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो समाज में के कमज़ोर वर्गों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी योजना को शुरू किया था? इन्होंने फ्रेंड्स शुरू किया था प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बारे में देखिए, इसको लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को, इसे हम PMAI अर्बन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव, ठीक है? और ये जो आता है स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट आता है, और ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? एवरी फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन शुड हैव देयर ओन हाउस सो दैट दे डू नॉट हैव टू टेक हाउस ऑन रेंट। तो जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं लोग, है ना, फैमिलीज, उनको हाउस प्रोवाइड करना ताकि वो रेंट या किराए पे घर ना लें, ये इस जो स्कीम है इसका मेन एम रहा है। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन जुलाई 2015 टू एम्पावर इंडिया डिजिटली, तो इंडिया को डिजिटली एम्पावर करने के लिए स्टार्ट किया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसको इनॉग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, और ये फ्रेंड्स आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया, मोटो है इसका पावर टू एम्पावर। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2016 टू मेक एयर ट्रैवल चीपर एंड ईजियर फॉर कॉमन पीपल। तो फ्रेंड्स आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन से स्कीम को लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है उड़ान स्कीम। बात करें इसके बारे में तो देखिए, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, और इसको स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन फेब्रुवरी 2019 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, ये स्कीम है फ्रेंड्स पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसको भी इनॉग्रेट किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, कहाँ से? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम विल द कल्चर मिनिस्ट्री हैंड ओवर 1000 monuments टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर दियर मेंटेनेंस। तो संस्कृति मंत्रालय किस योजना के तहत 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो ये फ्रेंड्स किया जाएगा अंडर स्मारक मित्र स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू डेवलप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज, ठीक है? अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2014 फॉर मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो जो रूरल एरियाज है ना, ग्रामीण क्षेत्र है, उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2014 में कौन से स्कीम को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है संसद आदर्श ग्राम योजना। तो देखिए, द फर्स्ट विलेज अडॉप्टेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर संसद आदर्श गाँव इज जयापुर बनारस। तो पहला जो विलेज अडॉप्ट किया गया था ये था जयापुर बनारस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? और इसको 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया बाय पीएम मोदी ऑन द एनिवर्सरी ऑफ जय प्रकाश नारायण। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट इन द ईयर 2020 टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ना, उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया था पीएम ई विद्या योजना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स 18 मई 2020 को बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीएम ई विद्या योजना है ना, ये लॉन्च किया गया अंडर वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको कोविड-19 पैंडमिक के टाइम कोई परेशानी ना हो एजुकेशन लेने में, राइट? अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन मई 2015, ठीक है? कब? मई 2015 में, टू प्रोवाइड LED बल्ब्स एट लो कॉस्ट। तो ये फ्रेंड्स नाम है स्कीम का पीएम उजाला योजना। उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। नेक्स्ट,
विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2022 टू स्टॉप फर्टिलाइजर थेफ्ट एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो फर्टिलाइजर के चोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए स्कीम जो है यह है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। नेक्स्ट विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन जुलाई 2015 टू मेक हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल एट लोअर प्राइजेस देन द मार्केट। तो देखिए मार्केट से कम प्राइजेस पे मेडिसिन को प्रोवाइड करना है ना लोगों को, इसके लिए जो गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया है जिस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। और फ्रेंड्स इस स्कीम के बारे में बात की जाए तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। और फ्रेंड्स इसको स्टार्ट किया गया था 2008 में ताकि जो मेडिसिन है जेनरिक मेडिसिन वो सबको अफोर्डेबल हो सके। और फ्रेंड्स 2015 में इस स्कीम का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कर दिया गया। अगला रहेगा विद स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2021 टू इंक्रीज इनकम ऑफ पॉटर्स। ठीक है, पॉटर्स के इनकम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्पिन स्कीम। स्पिन का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। लॉन्च किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट है विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन मे 2015 टू प्रोवाइड गारंटीड मंथली पेंशन टू ऑल इंडियंस आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो फ्रेंड्स 60 साल के से ज़्यादा लोगों को गारंटीड मंथली पेंशन मिले इसके लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है अटल पेंशन स्कीम। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपका अगला क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन 2015 टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। इसके बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन ईयर 2021 टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, हेल्थ केयर को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो स्कीम लॉन्च किया गया है यह है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन जून 2020 टू प्रोवाइड लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम लॉन्च किया गया है यह है पीएम स्वनिधि योजना। बात करें इस योजना के बारे में तो देखिए यह आता है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपका अगला क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट इन अगस्त 2021 टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू यंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के युवा नागरिकों को रोजगार देने के लिए कौन से स्कीम को लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 में? फ्रेंड्स इस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इसके बारे में देख लीजिए, इसको लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया बाई पीएम मोदी। कब? 75th रिपब्लिक डे के दिन। कब था ये? 15th अगस्त 2021 को। और इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है यहाँ पे, टू इंश्योर करना इंटीग्रेटेड प्लानिंग को, इम्प्लीमेंट करना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अपकमिंग 4 ईयर्स में, और वर्क को बढ़ाना, मतलब यहाँ पे स्पीड को वर्क के उसको बढ़ाना, कॉस्ट में रिडक्शन लाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये मेन एम था पीएम गति शक्ति योजना का। अगला क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2020। कब? सेप्टेम्बर 2020 में, टू मेक इंडिया एन एक्सीलेंट डेस्टिनेशन फॉर फिश एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिश और एक्वेटिक प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया एक एक्सीलेंट डेस्टिनेशन हो ये किया गया है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए ये स्कीम जो आता अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इसका मोटो है इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन फिशरीज सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच स्कीम इज रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ फार्मर वॉज स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईयर 2019। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो स्कीम लॉन्च किया गया है ये है पीएम कुसुम स्कीम। बात करें इसके फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और फ्रेंड्स यहाँ पे हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है टिल मार्च 2026। अगला क्वेश्चन, टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च विद स्कीम। तो फूड सिक्योरिटी है ना, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम।
अगला रहेगा, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन दिसंबर 2014 टू प्रोवाइड 90% कंप्लीट वैक्सीनेशन कवरेज टू चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज एंड प्रेगनेंट वुमेन ऑफ कंट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, 90% वैक्सीनेशन कवरेज प्रोवाइड करना चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज और प्रेगनेंट वुमेन्स के लिए, ये स्कीम है फ्रेंड्स इंद्रधनुष स्कीम। नेक्स्ट रहेगा, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई डिफेंस मिनिस्ट्री इन मे 2021 टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल एंड दियर फैमिलीज। तो देखिए यहाँ पे मेडिसिन को घर तक पहुँचाया जाए किसके फैमिलीज को, आर्म्ड फोर्सेज के फैमिलीज को, और उनको ये स्कीम का जो नाम है ये है सेहत स्कीम। इसके बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। नेक्स्ट रहेगा, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट इन जून 2015 टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई और सीवरेज कनेक्शन हर घर को पहुँचाया जाए, ये स्कीम था इनमें से अमृत स्कीम। अमृत का फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगला रहेगा, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त 2022 फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो जनजातीय लोगों के विकास के लिए अगस्त 2022 में किस योजना को शुरू किया गया, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आगे बढ़ेंगे, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2022 टू इनकरेज द टैलेंट ऑफ वुमेन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवसर। इसका फुल फॉर्म है देख लीजिए फ्रेंड्स, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। आगे बढ़ेंगे, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2021 फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन से डेवलप किया जाए स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, ये स्कीम है इनमें से है सार्थक स्कीम। सार्थक का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट रहेगा, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2021 टू प्रोवाइड फ्री मील्स टू द चिल्ड्रन फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको फ्री मील प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए 2021 में जिस स्कीम को लॉन्च किया गया है ये है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। आगे बढ़ेंगे, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन जनवरी 2015 टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज डॉटर्स। तो भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में किस योजना को शुरू किया, तो फ्रेंड्स इसका नाम है, स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि सेविंग्स स्कीम। अगला रहेगा, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जनवरी 2015 टू ट्रांसफर द सब्सिडी अमाउंट ऑन एलपीजी डायरेक्टली टू पीपल्स अकाउंट। तो यहाँ पे जो सब्सिडी होता है ना एलपीजी डायरेक्ट जो लिया जाता है उसको लोगों के बैंक अकाउंट में दे दिया जाए, ये इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में, और इस स्कीम का जो नाम है फ्रेंड्स ये है प्राइम मिनिस्टर्स पहल स्कीम, पहल योजना। ठीक है, अगला रहेगा, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन मार्च 2016 टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग्स। ठीक है, तो सभी जो नेशनल हाईवेज हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाना, इसके लिए स्कीम लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स सेतु भारतम योजना। आगे बढ़ेंगे, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2016 टू प्रमोट बिजनेस एंड न्यू स्टार्टअप्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2016 में बिजनेस और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जिस स्कीम को लॉन्च किया गया है यह है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इसको फ्रेंड्स स्टार्ट किया गया है कब, 16 जनवरी 2016 को, और ये स्कीम आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2016 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू एससी एसटी एंड वुमेन बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इस स्कीम का जो नाम है ना ये है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त 2015 टू हेल्प स्कूल ड्रॉप आउट्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2015 में किस योजना को शुरू किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया नई मंजिल योजना को। देखिए इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा कब, 8 अगस्त 2015 को। आगे बढ़ेंगे, विच मिशन वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2021 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एक्सेसिबल न्यूट्रिशियस फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल।
तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशियस फूड फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया है आहार क्रांति मिशन को। और इसका जो मेन मोटो है ये है उत्तम आहार उत्तम विचार। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन मे 2021 टू ट्रेन यंग राइटर्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इस स्कीम का नाम है युवा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स, ठीक है। युवा 2.0 स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है अक्टूबर 2022 को। अगला रहेगा, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन अप्रैल 2015 टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाई वायलेंस, ठीक है। तो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को समर्थन के लिए स्कीम का जो लॉन्च किया गया है ये है फ्रेंड्स वन स्टॉप सेंटर स्कीम सखी, राइट। सखी का यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो है मिशन ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2021-22 टू बेनिफिट द फार्मर्स, ठीक है। तो फार्मर्स के लिए यहाँ पे पीएम कृषि उड़ान योजना को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन नवंबर 2015 टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो यहाँ पे देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए नवंबर 2015 में जो स्कीम स्टार्ट किया गया था ये है उदय स्कीम। उदय का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। अगला है, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन फेब्रुवरी 2016 टू डिलीवर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेस्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। करेक्ट आंसर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिसंबर 2019 टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है अटल भूजल, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए अटल भूजल योजना को स्टार्ट किया गया। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन जनवरी 2017। मैंने फ्रेंड्स हर क्वेश्चन में जो ईयर है और जो मंथ है ये आपको क्वेश्चन में ही मैंशन करवाया हुआ है, तो आपको सबको मैं यहाँ पे जब आप अगर इसको नोट कर रहे हैं तो स्कीम के नाम के नीचे आप यहाँ पे ईयर, ठीक है, या फिर आप डेट जो भी आप लिख रहे हैं वहाँ पे लिख करके आप उसको मेंशन करें कि जनवरी 2017 को इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके बाद इसका एम क्या है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनवरी 2017 में वेलफेयर ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो स्कीम लॉन्च किया गया ये है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। फ्रेंड्स ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसका ओल्ड नेम, ये स्कीम जो था इसका ओल्ड नेम था फ्रेंड्स इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। आगे बढ़ेंगे, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2014 फॉर स्किल डेवलपमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो देखिए अर्बन और रूरल एरियाज में स्किल को डेवलप करने के लिए स्टार्ट किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। और इसका जो न्यू नेम है इस स्कीम का ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये आता है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन अप्रैल 2020-21 टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप्रोप्रिएट एसेट वेरिफिकेशन सॉल्यूशन टू रूरल इंडियन पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स स्वामित्व योजना। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए सर्वे ऑफ विलेजेस पॉपुलेशन एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला रहेगा, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2018 टू सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ पीपल हु लॉस्ट दियर जॉब। तो 2018 में फ्रेंड्स जो भी देखिए लोग जिन्होंने जिनका जो जॉब है वो छूटा है ना उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है अटल बीमित व्यक्ति स्कीम को। नेक्स्ट, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू सप्लाई 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे टू एवरी रूरल फैमिली अंडर हर घर जल योजना। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जल जीवन मिशन। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाई प्राइम मिनिस्टर इन अगस्त 2023 फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो ये फ्रेंड्स है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन 2023 टू मेक बैकवर्ड क्लासेस वुमेन सेल्फ रिलायंट। फ्रेंड्स इस स्कीम का नाम है न्यू स्वर्णिम योजना। आगे बढ़ेंगे, विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह इन द ईयर 2023 टू ट्रेन रूरल यूथ, ठीक है। तो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने
कौन से योजना को शुरू किया है? इन्होंने शुरू किया है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम को। नेक्स्ट, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन 2023 टू एम्पावर सीनियर सिटीजन? ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। राइट आंसर है अटल वयो अभ्युदय योजना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है इसका पहले नाम था नेशनल एक्शन फॉर सीनियर सिटीजन। ओके, इसको जो है रिवैम्प किया गया है अप्रैल 2021 में और इसका नेम चेंज करके अटल वयो अभ्युदय योजना किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2015 टू रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाई व्हीकल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल? तो जो भी डीजल और पेट्रोल पे गाड़ी चलते हैं उनके पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए 2015 में जो स्कीम लॉन्च किया गया है ये है फ्रेंड्स फेम इंडिया स्कीम। नेक्स्ट है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू मेक पीपल अबव 15 ईयर्स ऑफ एज लिटरेट? तो 15 से जो भी लोग ज़्यादा एज के हैं ना उनको लिटरेट बनाने के लिए यहाँ पे जो योजना शुरू किया गया फ्रेंड्स, इस योजना का नाम यहाँ पे है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। बात करें स्कीम के बारे में तो देखिए, इसको स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 27 के लिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि टारगेट जो है यहाँ पे सेट किया गया है 5 लाख लिटरेट पीपल ऑफ द स्टेट के लोग लिटरेट करेंगे 5 लाख लोगों को इन द ईयर 2023-24। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2014 टू डेवलप इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब? करेक्ट आंसर मेक इन इंडिया, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन मे 2016 टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन टू वुमेन अंडर बीपीएल? तो जो देखिए बीपीएल से की जो वुमेन है ना उनको एलपीजी, फ्री एलपीजी प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम स्टार्ट किया गया था ये है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन मे 2021 फॉर फाइनेंशियल हेल्प टू चिल्ड्रन ऑर्फन आफ्टर कोरोना एपिडेमिक? तो फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने शुरुआत की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला देखिए, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन फेब्रवरी 2019 टू प्रोवाइड ओल्ड एज पेंशन फैसिलिटी टू द वर्किंग क्लास पीपल? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन पेंशन स्कीम। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2019 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द एल्डरली फार्मर्स ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पीएम किसान मनधन योजना। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच मिशन हैज बीन अप्रूव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 टू प्रमोट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स स्कीम का नाम है जो स्टार्ट किया गया है यह है नेशनल क्वांटम मिशन। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई इंडियन रेलवेज इन द ईयर 2023 टू मॉडर्नाइज इट्स हेरिटेज लाइन्स विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम। नेक्स्ट, विच प्लान वॉज लॉन्च्ड बाई इंडिया इन कोलेबोरेशन विद ब्रिटेन टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज इन द ईयर 2022? तो फ्रेंड्स इस स्कीम का नाम है यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। इस स्कीम के बारे में बात की जाए तो देखिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस के दिन जो कि जनवरी 9 को मनाया जाता है, ईयर 2023 में स्टार्ट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अलाउ 3,000 डिग्री होल्डिंग सिटीजन एज्ड बिटवीन 18 to 30 टू लिव एंड वर्क इन ईच अदर्स कंट्री। ठीक है, 3,000 डिग्री होल्डिंग जो कैंडिडेट्स हैं ना, सिटीजन्स हैं, कितने एज के? 18 से 30 एज के बीच में, वो इस कंट्री के उस कंट्री में, यानी इंडिया वाले यूके में और यूके वाले इंडिया में, है ना, ये वर्क कर सके, लिव करे और वर्क कर सके, ये इस स्कीम का मेन एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स? इसका राइट आंसर है विवाद से विश्वास 2 स्कीम। इसको लॉन्च किया गया यूनियन बजट में फ्रेंड्स, अनाउंस किया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने, कब? 2023-24 के बजट में। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ अ वॉलंट्री सेटलमेंट स्कीम टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एजेंसी। अगला रहेगा, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 टू रिवाइव द रूरल इकोनॉमी एंड एम्पावर एमएसएमई? तो एमएसएमई को यहाँ पे एम्पावर करने के लिए स्टार्ट किया गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम।
फ्रेंड्स देखिए, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, MSME और SIDBI, ये दोनों ने टाई अप करके इसे लॉन्च किया है। 2023 में स्टार्ट किया गया, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है और यहाँ पे ये एम्पावर करेंगे किसको, MSME को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इन द ईयर 2023 टू आइडेंटिफाई एमर्जिंग टेक्नोलॉजी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माहिर। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन द ईयर 2023 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया? ठीक है, तो देखिए, एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज, अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जिस स्कीम को लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। ये है रीच आउट प्लान। इसका भी फुल फॉर्म है, देख लीजिए, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग आउटरीच, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन 2021 टू प्रोवाइड एवरी चाइल्ड द एबिलिटी टू लर्न रीड राइट एंड अरिथमेटिक? ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कीम का नाम है निपुण। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन फेब्रवरी 2022 फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स? करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीड प्लान। सीड का फुल फॉर्म स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNPs। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन मे 2015 फॉर लाइव्स ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड पीपल? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, PM जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन 2015 टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग टू इंडियन यूथ? तो ये स्कीम का नाम है फ्रेंड्स, PM कौशल विकास योजना, और इसको जो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका टैगलाइन है स्किल इंडिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर द ईयर 2023 टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अफेक्टेड बाय COVID-19? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विवाद से विश्वास स्कीम 1। ओके, तो इसको भी अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने यूनियन बजट में 1 फरवरी 2020 को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय हेल्थ मिनिस्ट्री इन द ईयर 2023 टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन ड्रग एंड मेडटेक सेक्टर? तो फ्रेंड्स, इस स्कीम का नाम है प्रिप। प्रिप का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक स्कीम को हमने यहाँ पे कवर किया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए, आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन से स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें एम किया गया है इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन द रूफ टॉप ऑफ 1 करोड़ हाउसेस। कमेंट करके बताएं आंसर। एक और क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन इन 2023? ठीक है, तो आर्टिसंस और क्राफ्टमैन के लिए कौन से स्कीम को लॉन्च किया गया है भाई PM मोदी, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में फ्रेंड्स, पेड PDF की वेबसाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDFs हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।